चलिए मेरे साथ इस अनोखे सफर पे और बनाए कनेक्शन फिर इस चांद से। अभी टाइम है इस वीडियो को आने में, क्योंकि कोरोना की वजह से सब रोक दोगा सरकार कहती है हमने, तो अब वीडियो पोस्टपोन हो चुका है और हम कोशिश करेंगे कि जब सब ठीक हो जाए तब ये वीडियो लाएं। अच्छी बात है वैसे देखा जाए तो हम तो कोई एक्सपर्ट है नहीं जो मतलब कुछ साइंटिफिक या कुछ बताना चाहूँगा। सिर्फ नॉर्मल एक मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को मैसेज। उसमें कुछ पॉइंट्स थे, 5-6 पॉइंट्स, कोरोना से कैसे बचना है वो सबको ही मालूम है, कैसे दूर रहना है। बट उसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जो मुझे अच्छी लगी हो शेयर करूँगा आपसे। तो फर्स्ट पॉइंट ये, आपको वायरस से दूर रहना है, इसके साथ साथ जो फेक न्यूज़ आ रही है उनसे भी दूर रहना है, क्योंकि वायरस के बारे में जितनी आपको जानकारी होनी चाहिए उतनी आपके पास आ चुकी है, तो उसके बारे में और सर्च करने से फ़ायदा नहीं है, बस टेंशन ही होगा, कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। तो कोशिश कीजिए कि फेक न्यूज़ और ये सब से दूर रहें। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये कोई क्रिकेट मैच तो चल नहीं रहा है जो आपको लेटेस्ट स्कोर जानना ज़रूरी हो, डेथ टोल देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे एक टेंशन ही बढ़ेगा आपको। तो डेथ टोल मत देखिए, घर पर बैठिए आराम कीजिए और फैटलिस्टिक मैसेजेस अवॉइड कीजिए भेजने का। क्या पता आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन जिसको आप भेज रहे हैं या जिस तक ये मैसेज पहुंच रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग ना हो, तो कोशिश कीजिए कि कुछ इन्फॉर्मेटिव मैसेज ही भेजें या फिर ना ही भेजें तो अच्छा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि घर पे, जैसे कि आप घर पे, हर कोई घर पे ही है तो घर पे ही रहिए और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। डिसिप्लिन मेंटेन मतलब जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं, हर कोई बता रहा है कि हाथ धोइए 20 सेकेंड, लेकिन 20 सेकेंड हाथ धोने के साथ साथ आपको पानी भी बचाना है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट देखा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो उसमें ये बताया गया था कि आप 20 सेकेंड तक जब हाथ धो रहे हैं तो कम से कम 1.5 लीटर तो पानी आप ऑब्वियसली वेस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से आप अगर पूरे दिन में जितनी बार भी हाथ धोएंगे कम से कम आपका 15-20 लीटर आपका वेस्ट होगा ही। पानी वेस्ट मतलब यूज़ ही हो रहा है, बट उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं उस वेस्ट को। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन बिठाया जाए हल्का सा, तो 5 लोगों की फैमिली एक दिन में 100 लीटर यूज़ करेगी पानी। मतलब 100 लीटर पानी यूज़ करना मतलब जैसे कहते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है। एक आदमी अगर अपनी फैमिली को समझाए कि जितना कम हो सके उतना पानी यूज़ करें तो 100 लीटर बचा लेगा एक आदमी एक दिन में। बी द हीरो चैलेंज इंस्टाग्राम पर चल रहा है, देख सकते हैं। और भी तरीके हैं पानी बचा के भी हैंड वॉश करने के। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितना पॉसिबल हो घर पे अपना मूड को पॉजिटिव रखिए, म्यूजिक सुनिए, गेम खेलिए, लूडो आजकल सब चल रहा है, ऑनलाइन भी खेल सकते हैं आप लूडो अपने घर वालों के साथ खेलिए, स्टोरी सुनिए ऑनलाइन। आप अगर आपके पास अगर जियो सावन हो तो उस पर हनी एक्सप्रेस विद नीलेश मिश्रा सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी नीलेश मिश्रा का चैनल है, उस पर अच्छी अच्छी स्टोरीज कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो आप सुनिए, आपका अच्छा दिन निकल जाएगा, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। और स्पेशली बरातनामा ज़रूर सुनिएगा, बहुत बढ़िया स्टोरी है। इस सबसे क्या होगा कि आपका और आपके परिवार का, मैक्सिमम लोगों का पॉजिटिव मूड बना रहेगा, और क्योंकि आपका पॉजिटिव मूड कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकता है, और इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो नेगेटिव मूड से खतरा है। अब साइंटिफिकली नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एक रहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं भी अगर मेरा मूड नेगेटिव है, कोई मैं मूवी देख रहा हूँ तो दिमाग नहीं लगेगा उसमें, मेरा माइंड कहीं ना कहीं वो रहेगा, फिर बहुत सी चीज़ें हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भरोसा रखिए, भरोसा इस बात का रखिए कि सब ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, जैसे हम पहले अपनी लाइफ जी रहे थे वैसे चल जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, बुरा टाइम अच्छा टाइम निकलता है ना वैसे भी निकल जाएगा। मेन ये है कि अब जो भी वीडियो आएंगे सब पुराने वीडियो आएंगे जो मैं एडिट नहीं किया था या फिर एडिट करना बाकी था, तो घर से हम भी घर पे ही हैं भाई, तो वीडियो देख के ऐसा मत समझना कि हम बाहर घूम रहे हैं, हम भी घर पे ही हैं, आप भी घर पे रहिए और वीडियो का मजा लीजिए, क्योंकि हम हैं आपके प्यारे संजीव सिंह।